बरहा पीरन्नट बरवपू कर्णयो कर्णिकारं विद्वद्वास घनक कुपिसं वैजयन्तीं चमालं रम्धान वेणुरधर सुधया पूरायन गोपबिंदई बृंदारण्यं सपदरमणं प्रविशद गीत कीर्ति सिसिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताए। ये जो अप्राकृत ब्रजवासी लोग हैं माथुर विरह ये जो अप्राकृत ब्रजवासी लोग हैं ये लोगों का सेवा करना ही हमारा धर्म है। माथुर विरह ब्रजवासी गणों की सेवा हम लोग जो गौड़ीय है हमारा धर्म। माथुर विरह माने क्या? शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताए नंदनंदन कृष्ण जसोदानंदन वृंदावन छोड़ के मथुरा गए हुए हैं। अंतर्दृष्टि में देखो जीव गोस्वामी पाद विचार दिखाया वृंदावन का बाहर कभी नहीं जाते, लेकिन रसपुष्टि के लिए विरह जो भाव है विप्रलम्ब भाव, इसमें विप्रलम्ब भाव बिना रसपुष्टि नहीं होती। इस विषय में उद्धव संवाद जब शुरू हो विस्तृत चर्चा करेंगे। आज इतना तक हम चर्चा करें इस विषय पर जो मथुरानाथ ये जो शब्द है जो श्रील माधवेन्द्र पुरीपाद जी ये श्लोक को बोलते बोलते अंतिम समय में सिद्धि प्राप्त हुई। ऐ दीन द्वैरदनाथ ऐ मथुरानाथ कदावल कश्यं तदलोक कातरम द्वैत ब्रह्मति किम करोमि हम। चैतन्य चरितामृत में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस विषय पर लिखे हैं जे दुनिया में जितना भी छानबीन करो ऐसा सुंदर जो श्लोक है हृदय की बात साक्षात राधा रानी का ये बात है और राधा रानी की कृपा के द्वारा श्रील माधवेन्दु बानी माधवेन्दु जी माधवेन्दु पुरीपाद जी का श्रीमुख देखे ये बात निकाले हैं। एकमात्र राधा रानी जी का ही बात और ये बात इन्हीं की कृपा से श्रील माधवेन्द्र पुरीपाद जी का जबान में उतारे। ये श्लोक गाते गाते सिद्धि प्राप्त हुए छोड़ के चले गए शरीर। इसमें जो वही दिन द्वैरथनाथ मथुरा नाथ इसमें विप्रलम्ब भाव है। तुम तो आज मथुरा चले गए हो और तुम मथुरा नाथ हो गया अभी, ये विप्रलम्ब का शब्द है, कोई ऐसा कोई बात नहीं। इस विषय पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करें। भिगू की गिरिराज महाराज जी का जो आज पूजन तिथि है गोवर्धन पूजा, इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। और ये जो ब्रजवासी लोग हैं ब्रजवासी लोगों का जो कृष्ण सेवा है आदि ये सब विषय में हर वक्त चर्चा होनी चाहिए। ब्रजवासी का अनुगत्य में हमारा धर्म है हमारा भजन है, ये छोड़ के तो दूसरा कुछ नहीं है। जो भी है इधर गिरिराज महाराज का पूजन प्रसंग आता है। गिरिराज महाराज का पूजन प्रसंग का पहले ये बात आता है कि ब्रजवासी लोग सब मिल के इंद्रोजाग करते थे, ये लोगों का नियम था ब्रज में। इंद्रोजाग इंद्र महाराज का
पूजन। इस विषय पर प्रश्न किया कौन, नंद बाबा, नंदो उपानंदो आदि जो कुछ है, ये लोगों को प्रश्न किए भगवान श्री कृष्ण। भगवान प्रश्न किए, देखो ये जो गिरिराज का, ये जो आपका इंद्रजाग, कौन सी पूजा हो रहा है? पहले देखा आज ये सब विशेष दिन है, आज से लो माधवेंद्र परिपाद जी का बात भी उठाए, इसलिए उठाए कि आज अन्नकूट तिथि जो है, अन्नकूट तिथि है, ये अन्नकूट का, अन्नकूट तिथि का प्रवर्तन कैसे भये, इस विषय पर भी चर्चा होनी चाहिए। और यहाँ जो है सिर्फ इसी विषय पर चर्चा हो, इसमें लिखा हुआ है दशम स्कंद, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान सब जानते हैं सब कुछ, फिर भी मनुष्य लीला, मनुष्य जैसा लीला करते हैं, इसलिए इधर प्रश्न कर रहे हैं ठाकुर जी। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं भगवान ओपि तत्रैव बलदेव न संयुतः अपसन निवसन गोपान इंद्रिय जाग कृतोद्यमान। इंद्रजाग के लिए जो उद्यम है, जो प्रयास प्रचेष्टा है, सारे सामान को इकट्ठा करना, फिर पूजा के लिए सब बहुत सारे चीज बनाना, खीर पूरी मालपुआ बहुत सारे चीज, ये सब उद्योग चल रहा है। और कृष्ण बलराम जी प्रश्न किए जे ये सब जो हो रहा है किस लिए? तद अभिज्ञ ओपि भगवान सर्वात्मा सर्वदर्शन सर्वदर्शन प्रश्राय अवनतो अपृच्छत वृद्धानो नंदो पूर्वगान। नंदो उपानंदो अधिनंदो ये सब जो है बड़े बूढ़े, इन लोगों के सामने प्रश्राय अवनतो अपृच्छत वृद्धानो, बड़ा विनम्र भाव से कृष्ण बलराम सब जानते हुए भी, सब जानते हुए भी प्रश्न किए किसका उद्योग चल रहा है? कथताम में पिता को अयम संभ्रमो व उपोगत किंग फलम कसो चोद्देश केनो व सद्धते मख। ये जो आपका यज्ञ हो रहा है इंद्रजाग यज्ञ, इसका हेतु क्या है, कृपा करके बताइए पितो, किस लिए ये यज्ञ किया जाए, इसका फल क्या है, उद्देश्य क्या है, ये कृपा करके बताइए। एतद् ब्रूहि महान कामो मह्यम सुश्रवे पितः, श्रवण करने का इच्छा हो रहा है, कृपा करके बताओ। न ही गोप्यम ही साधुनाम कृत्वम सर्वात्मनाम इह मले अस्ति असपरदृष्टिनाम अमित्रोदा अमित्रोदास तो विदिशाम। भले साधु संतों का तो कोई आपन पर भेद नहीं है, इसे आप इस विषय पर थोड़ा बताए, बताने का कष्ट करे तो अच्छा है, क्योंकि साधुओं का तो भेद दृष्टि नहीं रहता है, इसी कृपा करके बताइए। ऐसा करते करते नंदो महाराज आदि सब उत्तर दिए, बेटा हमारा पशुपालन धर्म है, हम लोग पशुपालन करते, और पशुपालन के लिए खेत खमारी ये सब जो है, ये सब में हरा भरा रहना चाहिए, उसमें घास फूस सब रहे तो हमारा गवादी पशु का चारण भूमि रहेगा। इसलिए इंद्र महाराज जी को हम लोग हर साल, इस बार नहीं, ऐसे ही ब्रजवासी का नियम था, इंद्र जी महाराज को अर्चन करें, अर्चन करने के बाद इंद्र संतुष्ट हो जाए और हमको बारिश आदि जो कुछ है। नंदो महाराज बोले
पज्जन्नो भगवान इंद्रो मेघस्तस्यात्म मूर्तयोः ते अभिवर्षन्ति भूतानां प्रणनम जीवनम पयोः। ये इंद्रो मेघ का मूर्ति संतुष्ट हो के अगर बारिश दे, वर्षण करे, इसमें जितना सारे भूतोग्राम है उसका लिए क्या होगा, मंगल होगा, बारिश होने से हरा भरा रहे। इसलिए हम लोग इंद्र महाराज का पूजन करते हैं, स्वर्गराज इंद्र का। त्वं तातो वयम अन्ये च वाम मूचां पतिमीश्वरम द्रव्यस्तद रेतुषा सिद्धिर जजन्ते क्रतुभिर नराः। इसलिए हमारा इधर ये सब दुब्रो आदि जो आयोजन हो रहा है सब लेके इंद्र महाराज का पूजन का विषय तैयारी चल रहा था। इस विषय में एक बात होता है, ये जो देव देवता का पूजा का जो विषय है, क्या ये गिरिराज गोवर्धन का जो पूजा का प्रसंग इधर आ रहा है, इधर देख रहे हो कि इंद्र महाराज का पूजन का व्यवस्था हो रहा है। इसमें समाज का आदमी बोले कि ब्रजभूमि में अगर ये इंद्र का पूजा हुआ है, ये देवी मैया का सब पूजा होता है, तो हम लोग करें तो क्या उसमें नुकसान क्या है। इसका सिद्धांत तो जो है इसका उत्तर सुनना पहले। ये जो देव देवता का अर्चन का निषेध गीता में, देव देवता का अगर अर्चन किया जाए तो गीता में ये लिखा हुआ है अविधि पूर्वकम, ये विधि पूर्वक नहीं है, विधि पूर्वक नहीं है। और ये श्लोक का पहले चर्चा हो चुका, उसमें आप देखे हैं अकामो सर्वकाम वा मुक्षु काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन जजित पुरुषम परम। अगर कोई कामना वासना भी है साक्षात कृष्णों का चरण में ही प्रार्थना रखना है और किसी का चरण में प्रार्थना करना उचित नहीं है। यहां देखोगे भगवान श्री कृष्ण और बलदाव जी महाराज, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, धीरे धीरे युक्ति दे रहे हैं, ये सब जो आयोजन आपने किए हैं, ये सब जो आप आयोजन किए हैं पूजा करने के लिए, ये सब पूजा करके क्या है। सुखदेव गोस्वामी इधर बोल रहे हैं, बचो निशम नंदस्व तथा नेशम ब्रजौ ब्रजवासी, दूसरा सारे जितना सारे ब्रजवासी है तथा नंद महाराज आदि सबका बात सुनने का बाद इच्छा करके भगवान श्री कृष्ण जो नापुजीबे देवी देवा, नरोत्तम ठाकुर सब कीर्तन में बताएं, देवी देवता का पूजन जो है वो समाज का जो बद्ध जीव है वो करने के लिए बड़ा व्यस्त है। थोड़ा हनुमान जी को पानी चढ़ाए, थोड़ा गणपति महाराज को पानी दे दे, थोड़ा शंकर भगवान को, इधर भी देवी माया को थोड़ा दे दे, उधर भी थोड़ा फूल छिटका दे सूर्य देव की। दुनिया भर का ये जो अभ्यास है, ये अभ्यास लोगों का आदत पड़ी है, बोलने से भी सुनेगा नहीं। कृष्ण भजन करने से सारे सब कुछ हो जाता है, ये विश्वास ही नहीं है। किसका विश्वास है बोलो, जो रहता है गुरु वैष्णव के साथ वो लोग अंदर में विश्वास आया क्या। और किसी का अर्चन का कोई दरकार नहीं। इसका विषय में बहुत बार चर्चा हो चुका, यथा तरण मल निशे चने न तिप्पन्ति तस्कंदो भुजोप शाखा पानोप हाश्च यथेन्द्रियाणम तथैव सर्व अर्हण अच्युतेज्या। आदि भगवान श्री कृष्ण का अर्चन करने से, पूजा करने से, साक्षात भगवान का पूजा करने से जो संसार उद्रुम, ये जो संसार है, तमाम दुनिया अनंत ब्रह्मांड है, ये तमाम ब्रह्मांडों का रूट कॉज, मूल कारण कौन है,
तमाम ब्रह्मांडों का, अनंत ब्रह्मांडों का जो मूल कारण है वही तो कृष्ण ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण। लेकिन इधर जो है जैसे सोची माइया, एक दिन निमाई बोले माँ तुम्हारा पास एक दान मांगू मैं। निमाई बोले माँ बोले जब जो मांगोगे वही देंगे, कोई चिंता नहीं। बोलो बोले एकादशी में अन्न नहीं खाना। अब ये लोगों का संदेह आ जाएगा, सोची माता इतना ऊंचे घराने का है सब है, तो उसको पता नहीं था ये सब जो पार्षद है भगवान का, अपना पार्षद है, अपना पार्षद है। ये पार्षदों का जो आचार आचरण है, राधा रानी आदि सब कुछ है, गौरंग महाप्रभु का जो पार्षद है, ये लोगों का जो आचार आचरण ये लोकातीत, तब से एकादशी का शुरू किया। तो इसमें आदमी का शौक हो जाता है। बहुत सारे आदमी वृंदावन में प्रश्न करता है, महाराज जब गुरुजी प्रकट लीला करते हैं तो एकादशी करते हैं, और अप्रकट विहार जब करते हैं तब तो एकादशी करते हैं। हम तो हंस दिया, बोले अच्छा प्रश्न किया, विश्वनाथ चतुर्दशी साहब पर इस बारे में ही उठाया बात। भले राधा रानी जितना सारे सखी सहेली ललिता विशाखा, भगवान का जो विग्रह है भगवान से अभिन्न है, साधो साध साधन के लिए जो जरूरी है, वृंदावन का अंतकरण में कृष्ण का साथ जो लीला चल रहा है उसमें एकादशी करे, एकादशी का विश्वनाथ चतुर्थी बताए, तो ये तो ऐसा लीला है साधारण आदमी को समझ में नहीं आता। तो इधर सुखदेव को सही बताए कि बचो निशम नंदस्व तथा निशान बजो कसाम इंद्रायो मन्नुम जनयन पीतरम प्राह केशव। इंद्रों का गुस्सा आ जाए, गुस्सा पैदा करने के लिए इच्छा करके भगवान श्री कृष्ण ऐसा बोलना शुरू कर दिया। इंद्र जैसे गुस्सा हो जाए क्या कर सके, ब्रजोवासी जितना सारे हैं इन नंदो उपानंदो आदि सबका बात सुनने का बाद, नंदो महाराज का बात आदि सुनने का बाद, अभी सुखदेव इधर सुखदेव उसमें कह रहे हैं कि इंद्रों का, अगर इंद्रों का क्रोध पैदा करने के लिए भगवान इच्छा कर रहे हैं, नंदो नंदन इच्छा करके बताए। ये जो जिसका इधर जो चर्चा है वो सारे वेदांतों का चर्चा है। सुंदर श्री भगवान वाचो, पहले भगवान ने तर्क उठाए कि देखो पिताजी इंद्रो क्या कर सकता, तुम जो इंदु पूजा कर रहे हो। बोले कर्मणा जायते जंतु हो कर्म नैव प्रबलीयते सुखम दुखम भयम खेमम कर्म नैव अभिपद्यते। अपना अपना कर्मफल का अनुसार जीव सब एक जन्म से दूसरे जन्म को एक जन्म खत्म हो जाए फिर दूसरे जोनी में चले जाए। ऐसा करते करते अनंत काल ऐसा ही जीव घूमते रहते। अपना कर्म फल ही इसका कारण है, जिसको वेद में अपूर्व बोला है। अपूर्व मतलब नाइस नो है, अपूर्व जो शब्द है एक अपूर्व बोल के एक शब्द है। अपूर्व शब्दों का मतलब है जो इस जन्म में पूर्व जन्म में जो क्रियाक्रम किया है और इस जन्म में जो क्रियाक्रम किया है उसका प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस होके जो रेसिड्यू रहे शेष रहे वही आपको दूसरे जोनी में भेज देगी। ऐसा करके अनंत काल से जितना सारे जीव है सब घूमते रहते, इसका काम ही यही है। कर्म ना जयते जंतो हो कर्मे नैव विलीयते दुखम सुखम भयम खेमम कर्मे नैव अभिपद्यते। बोले पिताजी कर्म ना जायते जंतु, कर्मों के द्वारा कर्मफल के द्वारा तो जीव का जन्म होता है और कर्मों के अनुसार ही उसका लय होता है। बिलियते विशेष लीन, और जो जिंदगी में जो सुख दुख जो कुछ भी आपको मिल रहा है
उसके लिए ठाकुर जी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपका जो जिंदगी में जो सुख दुख जो कुछ भी आप प्राप्त कर रहे हो, इसके लिए ठाकुर जी जुमा नहीं है। गीता में ठाकुर जी सीधा बता दिया, उधर लिखा हुआ है विभू वस्तु जो भगवान कभी किसी का पाप पुण्य का बारे में बड़े इंटरेस्टेड नहीं है, लेस इंटरेस्टेड। उधर बोले नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतिम विभुम, नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतिम विभुम अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुझ्यन्ति जन्तवः। नादत्त कस्यचित् पापम, विभु किसी का पाप और किसी का पुण्य लेने के लिए व्यस्त नहीं है, लेस इंटरेस्टेड, क्योंकि ठाकुर जी किसी को बोला ही नहीं तू संसार में जा ये सब कर, ये तो अपना अपना कर्म फल को भुगत रहे। ठाकुर बोला हम तो बोला नहीं। किसी का जीव का जो स्वरूप है, जीवों का जो स्वरूप है वास्तव स्वरूप, उसमें तो संसार बोल के कुछ चीज है ही नहीं, तो संसार कहाँ से आ गया? तो संसार का निर्माण वो ऋषभ देव का बात चर्चा किया मान, मोतीर न जावत मई वासुदेवे न मोचते देहो योगे न तावत, तब तक तुम्हारा जन्म मरण का चक्कर चलते रहे, पागल का माफी घूमो जस्ट लाइक मैट, कोई अर्थ नहीं, यूजलेस, कारण तो बताओ, भक्ति नहीं करेगा, बस घूमते रहो, चक्का काटो, इस जन्म हुआ, दूसरा जन्म हुआ, तीसरा जन्म हुआ, करोड़ों जन्म, इन्फिनिटी फ्री आउट ये जीव चल रहा है, इसका कोई शेष नहीं, अंत नहीं, अनंत काल, अनंत काल जानते हो, अनंत का क्या डिफिनेशन है, अनंत इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, और अनंत का कोई अनंत तो अनंत ही है, हरि अनंत हरि रूप अनंत। असुख दुख जो भय खेम जो कुछ भी मिल रहा है सब अपना अपना पूर्व कर्म फल के अनुसार ही मिल रहा है, ये किसी का कोई दोष नहीं, किसी को दोष मत दो, तुम्हारा दोष है सब ये जो। और भगवान बोले देखे अस्ति चेत ईश्वरः कश्चित् फलो रूपाणि अकर्मणम कर्तारम भजते सो ओपी न ही अकर्तुः प्रभुर ही स। आप सोचते हो कि देखो इंद्र हमारा फल देने वाला है, इंद्र फल देने वाला कौन है? सबका हृदय में परमात्मा बन के ठाकुर जी बैठा हुआ है स्वयं, जैसे कंप्यूटर में कोई भी काम करो उसके बाद सेव नहीं दो तो बस गया, हर काम करो और एक बार सेव, काम करो सेव, ना करो तो गया। और ये जो कंप्यूटर है तुम्हारा हृदय है, इसमें ठाकुर जी स्वयं बैठे हो, इट इज ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड बाय द सुप्रीम लॉर्ड, इधर तो आप सेव कर रहे हो लेकिन उधर ठाकुर जी सेव कर रहे हैं सब कुछ, तुमने क्या किया नहीं किया कुछ भी किया, जितना सारे क्रियाक्रम है उसका वाच कर रहा है परमात्मा, परमात्मा सारे जीवात्मा का जो क्रियाक्रम है सारे वाच कर रहे हैं। तुम्हारा अंदर में कोई गंदा विचार आ गया ठाकुर जी अंतर रह के सब देख रहे हैं। देखो छोटू हरिदास क्या किया, ठाकुर जी परमात्मा रूप में छोटू हरिदास का हृदय में है, जरा सा भी गलती हुआ महाप्रभु को पता चल गया और उसका पनिशमेंट दे दिया। यदि प्रणय राखीते साओ गौरांगे शने छोटो हरिदासर कथा थके जन मने, याद कर लो, यदि अगर गौरांग महाप्रभु का साथ परात्वर अखिलेश्वर श्री कृष्ण चैतन्य अर्थात श्री कृष्ण का साथ प्रेम बनाना चाहते हो, बंधु संगे जदे तुवि यदि थाके रंग परिहास, ऐसा विचार है, अगर
चैतन्य महाप्रभु का साथ तुम्हारा कोई संबंध बनाना चाहते हो तो हरिदास छोटा हरिदास का बात याद रखना, कभी भी गलती नहीं करना। विचार है इधर जो है, अगर इंद्रो आपका फल देने वाला कौन होता है? भगवान श्री कृष्ण बता रहे इंद्रो फल देने वाला कौन है। यदि अगर ऐसा कुछ आप सोचते हो कि किए हुए कर्म का फल तो ठाकुर जी ही देता है, हाँ ऑटोमेटिक फैक्टर इनडायरेक्टली और डायरेक्ट दो किस्म है। जीवो गोस्वामी बात विचार दिखाया, नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण, नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण जो वृंदावन अपराकित वृंदावन में गोप गोपी समन्वित हो हर वक्त विलास करते हैं, भगवान श्री कृष्ण ऐसा डूबे हुए रहते हैं, सो एब्जॉर्बिंग ये प्रेम ऐसा है, आपको ये बुद्धि पे आएगा नहीं। भगवान श्री कृष्ण ये सब ब्रजवासियों के साथ गोप गोपी समन्वित हो ये जो अवस्था है, ऐसा एक एब्जॉर्बिंग अवस्था में रहते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है भगवान का पास कुछ समय नहीं है देखने का। समझा मेरा बात? दुनिया में क्या हो रहा है ये सब देखने का ठाकुर जी का हर वक्त प्रेम डूबे रहते हैं। इसलिए जीवों को सही बात बताएं, ये ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण इतना वो विलास में रहते हैं, प्रेम विलास में, तो उसका पास कोई समय नहीं कि जड़ जगत का कोई आदमी बोले देखो तो क्या होता है, क्या समय है। इसलिए ठाकुर जी जितना सारे गुरु वैष्णव देखते हो ना, जितना सारे गुरु वैष्णव अर्थात हम सायंकालीन अधिवेशन में चर्चा करेंगे इस विषय पर, ठाकुर जी इच्छा करके इसलिए जितना सारे गुरु वैष्णव है गुरु वैष्णव को भेज दिया है ना, ताकि इसके ये जो है ये विचरण करते रहेंगे और किसका क्या दुख है सुख है ये सुनते रहेंगे, आशीर्वाद करते रहेंगे। कीर्तन में गाते नहीं हो, समझ में नहीं आया? वैष्णव और निवेदने कृष्ण दयामय एहन पामर पोति होइबेन सदाय। वैष्णव के पास अगर एप्लीकेशन जमा दो तो ये जो बातें हैं कृष्ण के पास जाएगा, नहीं तो कृष्ण के पास जाने का कोई, कृष्ण ऐसा एक रियलम में रहता है, ऐसा एक प्लेटफॉर्म है एक्सीलेंट। उस अवस्था ये जीवों का जितना सारे जीव है इसका चिंता का बाहर, ये चिंता नहीं कर सकता, कैसे चिंता करे। इसे तत्प्रकाश तत्शक्ति इसके द्वारा इस जगत में ठाकुर जी कृपा वितरण करने का व्यवस्था रखा है। इस विषय में सायंकालीन अधिवेशन में हम विशेष चर्चा करने की इच्छा रखते हैं, बाकी ठाकुर जी का इच्छा। अस्ति चेत ईश्वर कश्चित फल रूपाणी अकर्मणम कर्तारम भजते सोपी न ही अकर्तुः अकर्तुः प्रभुर ही स्व। भले देखो इंद्रो फोन लेने वाला कौन है, अपना अपना कर्म फल के अनुसार तो जीव चलता है। अगर आप मान लो कि कोई फलदाता है तो है ठाकुर जी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब ठाकुर जी कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर ये कर्मफल दान द्वारा कर्तारी भजन करें, कर्मफल जो देता है अगर आप मान लो तो कर्मफल कोई देता है तो अपना ही कर्म का फल देता है, तो कर्म जैसा करो उसका फल देता है, तो उसका क्या है। एक व्यक्ति कमा के हमारा पास रुपया दे दिया, बोले ये सब हमारा जो फैक्ट्री है इसमें जो जो लगे देते रहना खर्चा, उसमें हमारा कोई क्रेडिट है क्या? वो पैसा हमारे पास रख दिया, बोले वो सब जब मांगे लेबर लोग सब देते रहना, हिसाब रखते रहना, वो जो पैसा दिया है इसमें तो उसका हमारा कोई क्रेडिट नहीं, हम तो बांटते रहे। ऐसा विचार है। और ठाकुर जी ने बोले देखो इंद्र महाराज का जो पूजा आप कर रहे हो कि इसका पीछे आप बोल रहे हो कि इंद्र महाराज हमको ऐसा दे ऐसा करे सुविधा दे दे इसलिए हम इंद्र महाराज का पूजा करें, लेकिन ये तो विचार करके देखो आपका विचार सही है कि नहीं। आप विचार करके देखो, बात ठीक बताया आप,
विचार करके देखना, क्योंकि हमारा जो गिरिराज महाराज है, ये गिरिराज महाराज जी जो है, गिरिराज महाराज ऐसा है, ये गिरिराज महाराज के द्वारा हमारा गोपालन आदि सारे व्यवस्था होता है। गिरिराज महाराज जो है, गिरिराज महाराज का फल मूल कंदर में जो कंदमूल मिलता है, गुफा है, ये हरा भरा जो कुछ भी है, ये जो गिरिराज महाराज है, गिरिराज महाराज के लिए ही हमारा देखो इतना सुंदर ब्रज की शोभा, गिरिराज महाराज के लिए ही हमारा इसे सुविधा। क्यों? एक तो पर्वतों का नाम है भूधर, पर्वतों का नाम है भूधर, पर्यायवाचक शब्दों जो है इसे विचार करो, पर्वत का एक नाम है भूधर, और जितना सारे बादल है आसमान में, मेघ आदि जो है, ये सब आकर्षण करके लाते हैं कौन, ये पर्वत। ये अगर नहीं रहे तो बारिश होना मुश्किल हो जाए, भू पृथ्वी को आकर्षण करके रखता है, ये जो पृथ्वी का जमीन, नहीं तो समुन्द्र में चले जाए, लैंड लॉस हो जाएगा, लैंडस्लाइड होते होते पूरा समुन्द्र में चले जाए पूरा, ये जो पर्वत है तो पकड़ के रखता है पूरा टाइटली। ऐसा करके गिरिराज का महिमा बताएं, और गिरिराज जी ऐसा लंबा चौड़ा था, आज तो जाओगे तो गिरिराज जी का ऐसा स्वरूप दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका पीछे कारण है। गिरिराज जी दिन पे दिन छोटे होते जा रहा है, इच्छा करके तिल तिल करके मिट्टी का नीचे जा रहा है, और ये जो दापर जी नंद महाराज का समय जो है, उस समय जो गिरिराज का स्वरूप था, ये देख के आप घबरा जाओगे। लिखा हुआ है शास्त्र में गौरव संहिता में, गिरिराज का जो ऊंचाई है, गिरिराज का इतना ऊंचाई था, तो सूरज जब ढल जाए पश्चिम दिशा को, तो उसका जो परछाई है पश्चिम दिशा, जो गिरिराज का परछाई जो है वो भूतेश्वर तक जाता था, 22 किलोमीटर अवे, कम से कम 20-22 किलोमीटर दूरी जो भूतेश्वर महादेव जी हैं वो उस तक जाते थे, तो उसका ऊंचाई कितना था। और एक बात ध्यान से सुनना, जब देखोगे जो वृंदावन को जाने के लिए जब ब्रजवासी लोग प्रस्तुत हुए, इस प्रसंग आएगा, ब्रजवासी लोग तैयारी हुए कहाँ जाए, भाई यहाँ लाला का बड़ा विपत्ति आ रहे हैं, तो इधर नहीं रहने को, नहीं रहना है, कहाँ जाए, पर वृंदावन चले जाए, वृंदावन का गमन प्रसंग आएगा। और महाराज उस जगह हम इस प्रसंग इसलिए उठाया, उधर लिखा हुआ है वृंदावन कैसा है, बोले सर्वकाल सुखावहम, वृंदावन कैसा है, बोले सर्वकाल सुखावहम। आप जाओगे बोले बने महाराज इतना ताप है और रहा नहीं जाता, इतना टेम्परेचर है, लेकिन उधर लिखा हुआ है पूरा वृंदावन सर्वकाल सुखावहम, कभी भी जाओ हर वक्त आपको आनंद मिलेगा, ऐसा सुखदायक है। और वृंदावन ऐसा जगह है जहां 6 ऋतु का जितना फल फूल है पृथ्वी में मिलता है, तमाम पृथ्वी में, पावाली बोल के, पावाली नाम सुना नहीं सुना, हिमालय चट्टी में पावाली बोल के एक जगह है, वो नंदन कानन बोला जाता है, उसमें दुनिया भर का सुंदर फल फूल, वहां जाओ पागल हो जाओगे, ऐसा गलीचा जैसा, अरे बाप रे बाप, जितना किस्म का पृथ्वी में जितना फल फूल है सारे वृंदावन में मिलता था। वृंदावन ऐसा एक जगह है, कोई ऐसा फल फूल नहीं है जो वृंदावन में मिलेगा नहीं, वृंदावन सर्वकाल सुखावहम ऐसा है। और विशेष करके इस बात को इसलिए उठाया कि उधर लिखा हुआ है कहाँ जाए, तो उधर बोले वृंदावन को जाए, क्योंकि वृंदावन में जो है गिरिराज गोवर्धन वृंदावन में नंदोगांव को गए, नंदोगांव बोले वाह, वो लिखा हुआ है कृष्ण बलराम बड़ा संतुष्ट है, क्योंकि आजू बाजू में जमुना नदी है, गिरिराज है। आप बोलेंगे नंदोग्राम में कहाँ गिरिराज है महाराज, बोलोगे ना, पहले तो क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि मेटेरियल आदमी का जो संशय है
लिखा हुआ है भागवत में, कृष्ण बलराम बड़ा आनंद हुआ उसका, बोले इधर कितना सुंदर गिरिराज है, कितना जमुना नदी है। अब लोग बोलेगा कहाँ महाराज, हम तो नंदगम गए, वहां तो कोई गिरिराज नहीं है, कितना दूरी, बोलेगा ना संशय है जमुना नदी भी। इसका उत्तर यह है कि जिस समय का बात हो रहा है उस समय गिरिराज महाराज इतना ऊंचाई, इतना लंबा जो नंदग्राम तक पहुंचा, समझा नहीं मेरा बात। जमुना नदी का भी कई धारा वर्णन है भागवत में, जमुना नदी का भी कई धारा नंदोग्राम का आसपास से, वो मधुबन का आसपास से, किसी को पता नहीं चलता अब कहाँ गया। ये जो समुंदर है हमारा परिक्रमा खंड में लिखा हुआ है, ये जो जिसको समुंदर है, ये समुंदर हमारा समुद्रगढ़ तक था, समुद्रगढ़ नाम सुना, किसी को पता नहीं ये समुंदर कहाँ चला गया, 100-150-200 किलोमीटर पीछे समुंदर। और पृथ्वी जो है अभी सूख रहा है, पृथ्वी ड्राइंग सूख रहा है, वर्ल्ड वार्मिंग बोल के एक चीज साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं, पृथ्वी सूख रहा है अभी, इसका नतीजा भोगना पड़ेगा तुम लोग सबको अगर अत्याचार बंद ना करो तो। मेरा कहने का मतलब है उस टाइम गिरिराज महाराज नंदोग्राम का आसपास उतना दूर तक, क्यों, एक पर्वत अगर ऐसा है, कैलकुलेशन करो, एक पर्वत ऐसा रहता है ना, तो पर्वत अगर धीरे धीरे नीचे जाए उसका जो रेडियस है वो भी कम भी हो जाए, स्वाभाविक है, कॉमन सेंस है, पर्वत ऐसा है ना, पर्वत अगर नीचे जाना शुरू कर दे उसका रेडियस भी कम हो जाए, ये तो कॉमन सेंस है। अब ये जो सांप जो है किस लिए गिरिराज महाराज नीचे जा रहा है, 5000 साल का अंदर गिरिराज महाराज जमुना गंगा सरस्वती सारे जा रहा है, कुछ नहीं मिलेगा, अब जो करना है अभी करो, उल्लू का मापी रह जाओगे, गिरिराज महाराज नहीं रहेगा, गंगा जमुना सरस्वती कुछ नहीं रहे, सब लुप्त तो होएगा, जो करना है इसी जिंदगी में करके दिखाओ, नहीं तो जाओ कुछ नहीं होगा। देखो क्या बात, गिरिराज महाराज का जो जो जो, जो, जो सांप का प्रसंग है, इस बारे में थोड़ा बहुत हम इधर बता दे, क्योंकि नहीं बताए तो होगा नहीं, पूरा नहीं होता कथा तो बहुत दिन। इधर जो है एक दफे पुलस्त ऋषि जो है वो गया उधर कहाँ, तुम्हारा द्रोणाचल पर्वत का पास गए, अतिथि बना। पहले पर्वत भी उड़ता था, पंखा था, इंद्र महाराज ने वज्र देके पर्वत का पंखा तोड़ दिया, तब से उड़ना बंद हो गया। पहले पर्वत भी उड़ता था, इच्छा करके उड़ के जाता था। चेतन सत्ता हर वस्तु में है, हर वस्तु में चेतन सत्ता है वो, लेकिन वो आपको समझ में नहीं आएगा। और इधर जो बात है, उधर गए और द्रोणाचल पर्वत उसका बड़ा आरती उतारे, सम्मान किए, बोला भोजन पानी करो रहो, और उधर रहे कई दिन। उसके बाद जब जाने का समय हुआ, उस जाने का समय जो है अभी दक्षिणा देने का बात है, दक्षिणा ना दो तो होगा नहीं ना, तो दक्षिणा का प्रसंग आया। द्रोणाचल जी द्रोणाचल पर्वत जी ने पूछे कि महाराज हम दक्षिणा देंगे आपको, बिना दक्षिणा तो होता नहीं, आपको दक्षिणा दे देंगे, दक्षिणा दे देंगे। और दक्षिणा क्या दे, बोले महाराज हम जो मांगे आओ वही दोगे आप, बोले हाँ जो मांगोगे वही देंगे। और दक्षिणा जब मांगे तो अपना जो लड़का है गिरिराज महाराज को मांगा, जैसे नित्यानंद प्रभु को मांगा था, कौन ने, एक विप्रो ने पूरा एक चक्र जाके हराई पंडित जो है जाके वो ब्राह्मण को बड़ा सत्कार किया साधु का, फिर जाने का टाइम में बोले तो दक्षिणा देना है हमको, दक्षिणा देंगे आपको, वो क्या दक्षिणा, बोले आपका वो लड़का को हमको दे दो, निताई इसको दे दो, हम तीर्थाटन करेंगे। सुनते ही अज्ञान होके मूर्छित हो गया, एक जान से भी ज्यादा
इसको मांगा, अब क्या करे, वादा करके रखा है कि जो मांगे वही देंगे, उपाय भी नहीं है। तो अंतिम में वो लड़का को दे दिया। 20 साल तक नित्यानंद प्रभु तीर्थाटन किए पूरा बलराम, जब तक गौरंग महाप्रभु का आविर्भाव का प्रकाश, आविर्भाव तो हुआ ही है, नित्यानंद का बाद हुआ है, बहुत बाद, नित्यानंद बड़े हैं, लेकिन होने का बाद जब प्रकाश किया नित्यानंद बोल गौरंग महाप्रभु अपने को, तब नित्यानंद वो वृंदावन छोड़ के उधर गए, इसका पहले नहीं गए। तो ये जो है इधर प्रसंग है ऐसा, जो ये मांगा है गिरिराज महाराज, गिरिराज उसका पुत्र है, अब ये इसको ही देना पड़ेगा। तो महाराज कैसे दे, एक लड़का है, बोला आप वादा किया है, वादा किया तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारा वाराणसी जहां हम भजन करते हैं वहां कोई पर्वत पर्वत है नहीं, तो ये पर्वत को लेके उधर हम रख देंगे, गुफा पे बैठ के भजन करेंगे, आनंद होगा। जमुना पुल वो तो गंगा का किनारे है, काशी वाराणसी, वहां वाराणसी में हम भजन करते रहते हैं और वहां कोई पर्वत पर्वत है ही नहीं, तो ऐसा करे इसको उठा के ले जाए उधर बैठा देंगे और उसमें हम बैठ के भजन करेंगे, कंदमूल मिलेगा, फल फूल मिलेगा, सब आनंद से। बड़ा भारी चीज मांगा है, अब क्या करे, मांगने का बाद अब देना ही पड़ेगा। लेकिन गिरिराज महाराज जो है, बच्चा जो है, बच्चा बोले है महाराज आपका साथ जाए, लेकिन एक शर्त है, आप लेके सीधा चलोगे वाराणसी, हमको रखोगे, अब बीच में किसी भी जगह रखने का व्यवस्था करो तो हम वहीं रह जाएगा, ये सोच के रखो, बाद में गुस्सा नहीं करना, पूरा सीधा लेके वाराणसी में हमको लेके चलो तो ठीक है, अब बीच में किसी जगह रख दिया तो हम वहीं रह जाएंगे, हम जाएंगे नहीं। हाँ हाँ ठीक है चल, कोई बात नहीं, मेरा क्या शक्ति का कमी है, जो कि पुरुष है, विश्वामित्र नया स्वर्ग शुरू कर दिया, जब इंद्र बोला इधर जगह हो, त्रिशंकु को धक्का दे दिया, बोलो तर तेरा स्वर्ग दूर कर नहीं, हम नया स्वर्ग बनाएंगे, विश्वामित्र नया स्वर्ग शुरू कर दिया, अरे महाराज रुको, ऐसा करो कि तो अव्यवस्था फैल जाएगा ना, तुम एक स्वर्ग बनाओगे, वो एक स्वर्ग बनाएंगे, जब तब की इसलिए कि हो, बंद करो ये सब, ऐसा। ये जो पावरफुल है ऋषि मुनि, वो साधारण कुछ नहीं है, बोले तू बैठ जा इधर, हम ले जाएंगे पूरा, बैठ जा हाथ पे, इतना पावर है जोग के द्वारा, ऐसा पकड़ के ले जा रहा है, बस पूरा वाराणसी ले जाके रखे। ठाकुर जी का खेल है ये, गोवर्धन का, गोवर्धन जी का ये धरती पर आना, जमुना जी का आना, राधा रानी इस जगत में आने, सब बड़ा सुंदर प्रसंग है, किस लिए आए। गिरिराज सोचे कि महाराज ठाकुर जी जिस प्रसंग हम इस जगत में अवतीर्ण हुए हुए किस लिए आए हम, अब वो तो ऋषि ले जा रहा वाराणसी, हमको तो रहना है इधर वृंदावन धाम, ठाकुर जी आएंगे, अब ना माने तो साथ दे देगा, क्या करे, कुछ बोला भी नहीं, चुपचाप जाना शुरू कर दिया, चलो हाथ लेके। जाते जाते महाराज एक जाएगा उसका रखना ही पड़ा, लोगु शंका गुरु संघ बहुत सो कुछ है, अब ये जो भारी महसूस हुआ थोड़ा, उसको एक जगह रखा, वो जगह है अभी जहाँ है वृंदावन, वहाँ रख दिया। रखने के बाद सब क्रियाकर्म करने के बाद बोले चल, बोला आप तो नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, बोला आपके साथ तो बात हुआ था, जहाँ रखोगे वही रह जाएंगे, जैसे साक्षी गोपाल का, साक्षी गोपाल बोले देखो पीछे मुड़ के देखोगे तो वहीं हम रह जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हाँ हाँ ठीक है चलो ना, कोई बात नहीं। अंतिम में जाके इस ऐसा जगह पर छोटे विप्रो जो है, छोटे विप्रो जो है, ऐसा जगह का पीछे मुड़ के देखा, जहां बोले अंतर में सोचा कि यहां अगर रह जाए तो कोई बात नहीं, इधर तो कोई, ये तो आ ही गया, पीछे मुड़ के देखा गोपाल हंस के रह गया, हम नहीं जाएंगे, ऐसा ही है। तो बाद में ऋषि बहुत गुस्सा हो गया, क्यों नहीं जाए, बोला आपका साथ तो बात हुआ था, आप जहां रखोगे हम तो जाएंगे नहीं, हाँ जाना ही पड़ेगा, हम ना हम नहीं जाएंगे, हम जाए कैसे जाए, बात हुआ जा साहब दे दे, तिल तिल करके खय हो जा तू, ठीक है खय हो जा तो हो जा, ऐसे तिल तिल करके गिरिराज महाराज रोज खय होते होते माने मिट्टी का तला जा रहा है, मिट्टी का नीचे जा रहा है, और
गिरिराज का अभी का जो स्वरूप है वो है, वो दापर युग में जो था वो तो अवस्था अलग था। ऐसा करके ये सब व्यवस्था हुआ। तब से गिरिराज महाराज तमाम दुनिया को कीपा करने के लिए वहीं रह गए, वहीं रह गया ना। तमाम दुनिया को कीपा करने के लिए गिरिराज हर वक्त 2400 घंटा, गिरिराज का कोई पर्दा नहीं लगता। लगता है आपका, देखो तो पर्दा लग गया। गिरिराज का कोई पर्दा लगता है? ओ दिन रात, जब भी रात 2 बजे जाओ तो भी खुला है। लाओ भोग लगाओ, खाओ, कुछ भी करो, कोई रोक टोक नहीं है। ऐसा गिरिराज, रात को परिक्रमा करो फिर करो, कोई दुनिया में ऐसा व्यवस्था किसी का नहीं है। यहां तक कि जगन्नाथ भी थोड़ी देर के लिए बंद होता है। जगन्नाथ बंद कम होता है, जगन्नाथ का तो खुला सारा दिन खुला। जगन्नाथ दारू ब्रह्म ऐसा ही इसलिए आए कि पूरा दिन की बागर, लेकिन थोड़े समय के लिए बंद होता है। लेकिन गिरिराज का कोई पर्दा नहीं लगता, दरवाजा नहीं है, पर्दा नहीं। दिन भोर कीपा करे, सबको परिक्रमा करे सब। ऐसा कीपा करने के लिए गिरिराज महाराज इधर पधारे। विशेष करके गिरिराज महाराज इधर आए क्योंकि ये जो गोप गोपी समन्वित तो वृंदावन है, इसमें भगवान श्री कृष्ण का जो पिया जी राधा रानी का जो लीला है, राधा गोविंद जी का लीला है, ब्रजगोप का जितना सारे ब्रजगोपिया हैं और सारे जितना सारे हैं, ये लीला का पुष्टि के लिए गिरिराज का आविर्भाव। लीला का पुष्टि की जब वेणुगीता का चर्चा हो, देखोगे हंतायम दृढ़ बल हरिदास वर्जो जद राम कृष्ण चरणो परशो प्रमोदो, इत्यादि आएगा। बहुत सुंदर श्लोक, हंतायम अदृढ़ बला हरिदास वर्जो जद राम कृष्ण चरणो परशो प्रमोदो। राम कृष्ण अर्थात कृष्ण और राम बलराम, इनके चरण के द्वारा एकदम रग रग कहीं भी जाओ गिरिराज में, स्पर्श करो कृष्ण बलराम का धूलि मिले, राधा रानी गोपियों का धूलि मिले, ऐसा जो गिरिराज है। ये गिरिराज का महिमा किसी का हिम्मत नहीं गिरिराज का महिमा बता। इसलिए सुखदेव गोस्वामी का विचार है हंतायम अदृढ़ वाला हरिदास वर्जो, हरिदास वर्जो, हरिदास जितना सारे हरि का सेवक मिलता है, हरिदास वर्जो, हरिदास वर्जो, हरिदासों में वर्ज है, श्रेष्ठ है। क्योंकि गिरिराज का सेवा का कोई तुलना होता ही नहीं। कभी राधा रानी गोविंद जी गुफा में बैठ के राधा रानी सितार सिखाया, गान सिखाई गोविंद को, सहेली को सिखाई, ऐसा करके गुफा का अंदर। कभी गौचारण हुआ बहुत सारे, गुफा तो है, कंदमूल है, झरना है, अब कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, झरना है, अपराकित झरना, पानी आए अब प्यास लगे तो पी लिया थोड़ा। ऐसा जो गिरिराज महाराज है इसका बारे में बताया, हंतायम दृढ़ बल हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरणो परशो प्रमोदो मानम तनोति सहगनयो स्तयोर्यत पानीयो सुजवर सुजवस कंदर कंदमूलई। कंदमूल, कंदमूल खाया है? कभी नहीं खाया कंदमूल, हम बचपन में खाया। एक ऋषि, क्या वो साधु है? ऋषि तो नहीं है, ऋषि तो अलग अर्थ होता है। एक हिमालय से आया बाबा, उन्होंने बेचना शुरू कर दिया काट काट के, थोड़ जैसा है ना, जहाँ तक केले का जो अंदर का जो खंभा है उसका माफी, लेकिन इतना मीठा, मिश्री से भी ज़्यादा, इतना मीठा, इतना टेस्टफुल, ऐसा करके काटते काटते सभी की कहता है पूरा मूल उसको उठा के लाए। कंदमूल, कंदमूल फल, कंदमूल और झरना का पानी, सुधा जैसा पानी। ऐसा करते करते गिरिराज महाराज जो है कृष्ण बलराम का जितना सारे सखा लोग हैं, सखी लोग, सबका पूरा दिल भर के सेवा किया। गिरिराज महाराज जो सेवा किया वो सेवा तुलना ही होता है, दिन रात। और वही गिरिराज का किनारे पे आ जाओ ना, पीछे इधर आ जाओ, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, बहुत सारे
कोई थोड़े से है, क्या है उसमें। ये गिरिराज जी महाराज, ये गिरिराज जी महाराज का किनारे जो है, ये किनारी एक गिरिराज जी महाराज का सहारे पे भगवान का रासलीला रहा। गिरिराज जी महाराज जो है, गिरिराज जी महाराज का सहारे पे गिरिराज गोवर्धन में एक रास हुआ था, एक रास हुआ था। ये जो रास आ रहा है ना, जोरात शरतकालीन रास, जो शरतकालीन रास शरत पूर्णिमा में जो रास हुआ था, वो शरत पूर्णिमा में जो रास हुआ था, वो रास हुआ था जमुना का किनारे, जमुना पुलिन। गोपेश्वर जी है कि बंसीवट है, बंसीवट नाम सुने, बंसीवट, ये बंसीवट जो है, ये बंसीवट धीर समीर, ये जो जगह है, यही जगह है, वहां भगवान श्री कृष्ण का शारदीय रास हुआ था, शारदकालीन रास हुआ। और ये बसंत कालीन जो रास, ये जो अभी जो आए, ये जो आएगा, अभी जो रास आएगा ना, ये जो आपका कार्तिक पूर्णिमा का जो समय है, उस समय में रास हुआ था आपका गोवर्धन में, बहुत सुंदर। कई जगह रास हुआ, वो आप रास का तो पता ही नहीं चलेगा आपके, रास क्या चीज है। रास मतलब रस, रास मतलब रस का वितरण, यही रास। बहुत सारे चीज है, गुप्त चीज जो भी है। अभी ये जो है गिरिराज महाराज जितना सारे सेवा की है, वैसा सेवा अनोखा सेवा, तुलना ने अनपैरेलल अनबीटन ऐसा सेवा की। और जब ही कृष्ण बोल रहे हैं कि देखो अगर पूजा ही करना है तो गिरिराज महाराज का उतारना चाहिए पूजा। देखो ये कितना सेवा किया ब्रजवासी का, कंद मूल है, फल मूल और झरना का पानी, इतना सा गौ बाछुर चरते रहते हैं, देखो उस गुफा भी है, उसमें आराम करते हैं सब जाके, इसका ही पूजा करना चाहिए। देखो इसके लिए ये पर्वत जो है मेघों को आकर्षण करके ले आते हैं, इसके लिए बारिश होता है। देखो ब्रजवासी का कितना सेवा किया, पूरा ब्रजभूमि का, पूरा पूरा ब्रजभूमि का गिरिराज महाराज प्राण है, इसी के सहारे। राधा कुंड, श्याम कुंड सब तो इसी के सहारे, उद्धव कुंड सब तो, गिरिराज महाराज जो है पूरा ब्रजभूमि का प्राण है, इसका पूजा करोगे नहीं पिताजी? तब जब बोले देखो तो कैसे पूजा करे, बोले कुछ नहीं है, जितना सारे आपका आयोजन व्यवस्था हुआ हो चुका है, ये सारे जो है दूध घी माखन खीर पूरी कचौरी जो कुछ भी हुआ है आपका, सारे सामान लेके अब चलो और गिरिराज महाराज के सामने धर दो और गिरिराज महाराज को पूजन करो, योग्य करो पज पूजन करो। बोले लाला ने ठीक कहो है, लाला ठीक बोला, चलो हम लोग गिरिराज का ही पूजा करें। कृष्ण भगवान बोल रहे हैं ना, तो तमाम जितना सारे चीज है, रस सारे चीज है, सब व्यवस्था जितना बन चुके हैं सारे लेकर गिरिराज महाराज का सामने जाकर, गिरिराज महाराज जी का सामने जाकर, गिरिराज महाराज जी का सामने जाकर रख दिया सारे व्यवस्था। मुखारविंद गिरिराज महाराज जी का सामने रख दिया सारे, जितना सारे हजारों व्यवस्था, व्यवस्था करने के बाद पूजन वो सब कुछ हुआ, यज्ञ जो कुछ भी। इसके बाद क्या हुआ, एक आश्चर्य विषय हुआ। पहले ब्रजवासियों ने देखे जो गिरिराज स्वयं ये सब भोजन कर रहे, मुखारा बिंदु पे देखा, सब जितना सारे ब्रजवासी है सब गिरिराज महाराज स्वयं खा रहे हैं। आनोर नाम ऐसा हुआ, आनो और कुछ है तो लाओ, और कुछ है तो लाओ हम खाएंगे। जैसे चैतन्य महाप्रभु का लीला में हुआ था ना, अष्टपहर पूरा एकदम स्वरूप बना के बैठे, कौन क्या लाते हो लाओ, कलसी दे के दूध लाए ला, जो कुछ भी लाए ला, किसका पास क्या है ला। विश्वंभर बैठा था, ये लीला हुआ गौरंग महापू का लीला, कोई कुछ भी लाए। जगन्नाथ भी ऐसा लीला करता है, इधर तो विचार रहता है ना, लेकिन जगन्नाथ जब रथ यात्रा
रथ यात्रा जगन्नाथ का नाम ही इसलिए हुआ पतित पावन, जगन्नाथ का नाम ही हुआ पतित पावन, इसलिए हमारा शास्त्रों में लिखा हुआ है रथारूढ़म वामनम दृष्टा पुनर्जन्म नविद्वते। रथ में आरूढ़ जगन्नाथ को दर्शन अगर कोई करे अंतर से उसका पुनर्जन्म नविद्वते, पुनर्जन्म नहीं होगा। ऐसा नियम है, जितना सारे लाखों लाखों आदमी आता है, जब बलगंडी पहुंचता है मतलब वो गुंडीचा मंदिर का बगल में रथ, उस समय जितना सारे धनी दरिद्र गरीब जितना भी नीचा खानदान का, उस समय जगन्नाथ कोई नियम नहीं रखते। कोई भी है ठाकुर जी को हाथ में लेकर ले जगन्नाथ खा, भोजन करा दिया, ऐसा करके जो कुछ भी लाए सब ठाकुर जी स्वीकार करते, नियम है। इधर गिरिराज महाराज पूरा स्वरूप पकड़ के पूरा सब खा रहे, बड़ा आनंद हुआ। ब्रजवासी बोले देखो इसको देखने, इसको देखने में हमारा लाला जैसा है ना, बोला हाँ तो है, देखने में तो हमारा लाला जैसा ही है, वो तो देखो कितना सुंदर, वो एक ही तो है, एक ही तो वही तो कृष्ण है, देखने में एक ही है। वो बोलता देखो लाला खा रहा है, कि लाला तो खड़ा हुआ है इधर, वो खा रहा है के सारे खा लिया, और कुछ है तो, और कुछ है तो लाओ सब बोल के और मांगा, और कुछ है तो लाओ, इसे आनोर नाम पड़ा। इधर जो है विचार करके पूरा गिरिराज महाराज का पूजन किया, सब कुछ हो गया, भोग लगाया, उसके बाद जितना सारे ब्रजवासी है, ब्रजवासी लोगों ने प्रसाद पाया, प्रसाद पा के अलंकार आदि लगा के फिर परिक्रमा शुरू किया गिरिराज महाराज का। लिखा हुआ है ऐसे तो विधि मार्ग में जाओ तो ऐसे गिरिराज परिक्रमा में भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं, क्योंकि गुरुजी बताते थे शास्त्र में है कि गिरिराज का परिक्रमा अर्चन भक्ति का अंग है, अर्चन भक्ति में अगर पहले खा लो तो अर्चन नहीं होगा, अर्चन नहीं होता कभी भी। अर्चन जो अर्चक है, जो अर्चन करे, कोई भी मानस अर्चन करे वो भी बिना खाए करे, अगर थोड़ा पानी फानी भी पिए 3-3:30 बजे तो वो तो हमारा हिसाब के अनुसार होता नहीं, तो ऐसा है कोई खाना पीना उचित नहीं है। तो हमारा गुरुजी जितने भी जिंदगी में जितना गोवर्धन परिक्रमा किए हैं सारे बिना खाए, वृद्ध अवस्था एकदम 90 साल का उम्र, 102 साल तक जी प्रकट विहार किए, लेकिन बिना खाए, लेकिन विधि मार्गे दिखाया गुरुवर इच्छा करके कि ये लोग विधि मार्ग का नहीं है, फिर भी इच्छा करके विधि मार्गों को स्थापन करने के, क्योंकि बद्ध जीव जो है कुछ भी करेगा, बद्ध जीव उसको समझाने के लिए इच्छा करके विधि मार्गो रथ जने स्वाधीनता रत्न दाने रागमार्गे कराए प्रवेश, विधि मार्गो इच्छा करके बोलो मन ही मन करना, मन ही मन करना कीर्तन। विधि मार्ग जो है ये गुरुवर्गो सारे प्रभुपाद से लेकर भक्तिविनोद ठाकुर सारे विधि मार्गो का प्रवर्तन रखा इच्छा करके, क्योंकि विधि मार्गो जो रथ है और अपराकित गुरु वैष्णव जो है हमारा ये भजन करते करते रागमार्ग का प्रवर्तन स्वयं हो जाए, रागमार्ग का जो प्रवर्तन है अपने आप आ जाएगा करते करते, इसमें जोर जबरदस्ती नहीं करना है, जोर जबरदस्ती करो तो उल्टा, जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। इसलिए इच्छा करके गुरुजी, लेकिन भागवत में लिखा हुआ है भूत्या पित्वा अलंकृता, भोजन आदि करके और अलंकार नया कापर सब पर कि पूरा गाते गाते कीर्तन करते करते पूरा गिरिराज महाराज का परिक्रमा किया, जितना सारे सब कुछ है गया। अभी हमारा ये जो गौड़ीय समाज में जो अन्नकूट विधि, अन्नकूट का जो प्रवर्तन है वो कैसे भाई, ये जो गिरिराज महाराज का जो अर्चन है, इतना सारे भोग राग का व्यवस्था, ये हमारा माधवेंद्र परिपाद जी जो हमारा गौड़ीय संप्रदाय का जाने माने मूल है, माधवेंद्र परिपाद जी हम बताए थे पहले बताए थे
ये माधवेंद्र पुरीपाद वृंदावन में गोवर्धन का किनारे गोविंद कुंड उधर बैठ के नाम कर रहा था। इससे गिरिराज महाराज जो है, गिरिराज महाराज का तट पे, तो जो गोपाल है आके माधवेंद्र पुरीपाद जी को साक्षात एक लोटा खीर देके गए, तुम खाते क्यों नहीं हो, मांगते क्यों नहीं हो, ये लोटा, एक लोटा दूध खीर ले लो, इसको पी कर रख देना, हम आके ले जाएंगे। वो जो गोपाल जी हैं वो बेचारा, उन जानते नहीं है, अज्ञान है, क्या करे, ठीक है, वो मानेगा नहीं। तो ये जो है गिरिराज महाराज का किनारे माधवेंद्र पुरीपाद बैठ के नाम कर रहे थे, इसी समय गोपाल साक्षात गोपाल सिन्हाथ जी गिरिराज धरण जो है साक्षात आके, जिन्होंने गिरिराज को उठाया था, इस प्रसंग को पहले कर ले, उसका बाद हम बोलेंगे जे कैसे इंद्र महाराज क्रोधित हुआ, आप ब्रजवासी को कितना कष्ट दिए, इसका बारे में चर्चा होगा, इसका बारे में चर्चा होगा। तो माधवेंद्र पुरीपाद का पास गोपाल जी स्वयं आए, स्वयं आके खीर दूध देके गए, एक लोटा दूध पी के लोटा को रख दिए और गोपाल आए नहीं। अंतिम में सपने में आकर बोला कि हम स्वयं तुम्हारा पास गया था, तुम मेरे को समझ नहीं पाए। माधवेंद्र पुरीपाद रो के एकदम मूर्छित होके गिर पड़ा, बोले साक्षात कृष्ण आया गिरिराज धरन गोपाल, हम समझ नहीं पाए, हाय हाय बोल के रो पड़ा। उसके बाद सपने में बोला, सपने में तो बोल दिया, देखो हम है ये जो जंगल है, इस जंगल का अंदर ये जो हम सिन्हनाथ गोपाल जो है, हम इस मूर्ति हमारा है, उसको निकालो अंदर से, निकाल के मेरा पूजा का व्यवस्था करो, गोवर्धन के ऊपर लेके आदेश किया। तो फिर ब्रजवासी को सब इकट्ठा किया, इकट्ठा करके सब समझाया कि गो ठाकुर जी सपने में आए, इधर गिरिराज का ऊपर हमको ले चलो, ठाकुर जी बोला, अब पूरा लेके उसको ब्रजवासियों को लेकर पूरा जंगल साफा करके पूरा उठाकर ये जो सिन्हा जी महाराज उसको ऊपर रखा, रख के उसका अभिषेक हुआ। बहुत सारे बात है, हम संक्षेप में कह रहे हैं, अभिषेक होने का बहुत सारे, गोविंद कुंडों का पानी है, ये गोविंद कुंडों का पानी कहाँ से आविर्भाव हुआ, गोविंद कुंडों का पानी जो है इसके द्वारा आकाशगंगा का पानी वो ऐरावत लाए थे जब इंद्र अपराध किया, सुसंग आए छोटे से हम संक्षेप में बताएंगे क्योंकि समय नहीं है। इसमें क्या हुआ, वही पानी जो है वो गोविंद कुंड में है, और गोविंद कुंड का पानी सारे क्या की उस देखे अभिषेक हुआ। अभिषेक होने का बाद फिर ब्रजवासियों ने, हजारों हजारों ब्रजवासी आए, और जितना सारे खीर पूरी मालपुआ जितना सारे है गिरिराज महाराज का सामने भोग लगा दिया, लगा के इतना बड़ा उत्सव किया, वो अन्नकूट हुआ, अन्नकूट का उत्सव। ये अन्नकूट का जो परंपरा हमारा अभी तक चल रहा है, इतना बड़ा उत्सव हुआ कि कोई सोच भी नहीं सकता, इतना बड़ा उत्सव हुआ। और सारे गोपाल जी ने उसी टाइम में माधवेंद्र पुरीपाद जी देखा, जितना सारे भोग लगाया गया, राशि राशि चा अन्न है, रोटी है, पूरी कचोरी सब गोपाल खा रहा है, माधवेंद्र पुरीपाद देख रहे हैं, किसी का हिम्मत नहीं देखे। देखे गोपाल साहब बहुत दिनेर खुदाए, बहुत दिनेर खुदाए, गोपाल खाई लो सकौल खा रहा है, लेकिन उसका जो अमृतमय हस्त्र है उसका स्पर्श से जहां का तहां वही पूर्ण वस्तु जो है भगवान, उसका साथ संयोग हो तो पूर्ण ही रह जाता, पूर्णों से पूर्ण लिया जाए तो पूर्ण ही रह जाए, तो ऐसा है कृपा करके। ये है आपका अन्नकूट का उत्सव, आज आप मना रहे हो गिरिराज गोवर्धन का परिक्रमा उत्सव, विशेष करके गिरिराज का महिमा ये सब। अभी जो है इंदो महाराज बड़ा गुस्सा हो गया, इंदो महाराज का इतना क्रोध आया, इंदो महाराज गाली देना शुरू कर दिया, क्या इतना हिम्मत है, हमारा अर्चन बंद कर दिया है। इंद्रो बड़ा गुस्सा हुआ, बोले ये पूरा ब्रजवासी को हम एक सबक सिखाएंगे,
ऐसा शिक्षा दे देंगे वो लोग जिंदगी भर याद रहे। बोल के क्या क्या की इंद्र महाराज ने बुलाया, जितना सारे प्रलय का समय, प्रलय का जब प्रलय आते हैं, प्रलय का समय बारिश होता है, प्रलय का बाद सारे पृथ्वी डूब जाता है, वो प्रलय का बाद समय जो मेघ है उसका नाम है संवर्तकम, गणम सर्व गणम संवर्तकम संवर्तकम नामो मेघा नाम च अंतकारिणम, जो सब दुनिया को नाश करने वाला जो मेघ है। इंद्र प्रचोदयत क्रुद्ध वाक्यंच वाक्यंच अहेशम मान्यु, तो गुस्सा होके सारे ये सब मेघों को बुलाया और बारिश करना शुरू कर दिया और गाली दिए, ये काल का बच्चा है कृष्ण, इसका बातों में आकर भड़काप में आकर और ये पागल सब ब्रजवासी है हमको टाल दिया, हमारा पूजा नहीं किया, हाय हाय। भले बोले गाली दे दी, गाली देना शुरू कर दिया, भले कृष्ण को गाली दिया, ये बाचाल है, ये बालिस है, ये स्तब्ध है, अज्ञ है, पंडित मानिनम कृष्णम मर्तम उपाश्रित गोपा में चक्र अप्रियम, कितना गाली दिया। बोले देखो पहले बोला बाचालम बाचाल बाचालम बालिसम स्तब्धम अज्ञम पंडित मानिनम है, अरे ये कृष्णम मर्तम, इतना सारे गाली दिया, कृष्णम मर्तम उपाश्रित गोपा में चक्रुर अप्रियम। भागवत में प्रसंग आता है जो शिशुपाल, जिसका नाम पशुपाल बोला गया मजा करके, ये शिशुपाल कृष्ण को गाली दे रहा है सभा में, बेटा कोई जन्म का कोई ठीक नहीं है, बेजन्म है, इसका पूजा करे पहले, इसका बेजन्म है, इसके जन्म का कोई ठीक नहीं है, गाली दे रहा है शिशुपाल। तो शिशुपाल तो गाली दे ही रहा है, लेकिन सरस्वती जो है शुद्धा सरस्वती, शुद्धा सरस्वती उसका जवान पर बैठकर उसका स्तुति कर रहा है, वो जो बोले बेजन्म है गाली दिया, लेकिन विचार करो तो इसमें सरस्वती जो है शुद्धा सरस्वती उसका प्रशंसा कर रहे हैं, प्रशंसा नहीं किया कृष्ण तो, कृष्ण का कोई जन्म है, गाली दिया तो वो गाली दे रहा है, ये प्रशंसा हो रहा है। इधर भी देखो बाचाल बोल दिया, बाचाल तो विश्वनाथ चक्रवर्ती सुंदर व्याख्या किया, देखो बाचा करती अलम वेदो प्रवर्तकम इति वाचालम, कितना सुंदर व्याख्या हुआ, जिन्होंने तमाम दुनिया का जो सार है वेद वेदांत आदि सारे प्रवर्तन कर दिया दुनिया के लिए, बाचा करती अलम वेदो प्रवर्तकम इति वाचालम, तो ठीक ही बोला, तो बाचाल बोला गाली दिया तो प्रशंसा हो गया। हाँ, बालिसम बालिस बोला, ता पर उसका बाद स्तब्ध बोला, ये जो स्तब्ध है अज्ञ है, अज्ञ मतलब जिसका आज दुनिया में जानने का कोई शेष नहीं रहा, रह गया क्या जाने कृष्ण, जो कुछ भी जानने का है सब कृष्ण का अंदर है, वो जानने का और कुछ शेष नहीं है, ऐसा करके अस्तब्ध इसका व्याख्या किया। कृष्ण किसका स्तुति करे, कृष्ण तो इच्छा करके गुरुजनों को दंडवत करते हैं, लेकिन किसको कृष्णों का वंदनीय कोई है, मेरा बात समझ में नहीं आ, कृष्णों का वंदनीय तो कोई नहीं है दुनिया में, कोई ऐसा नहीं कृष्णों का वंदनीय, लेकिन कृष्ण इच्छा करके इसको गुरु मानता है, इसको बाबा मानता है, माँ मानता है, इच्छा करके, तो वंदनीय जो है वंदनीयों का अभाव है, वंदनीय कोई नहीं है कृष्णों का, इसलिए देखो ये जो गाली दिया है ठीक ही है, स्तब्धम अज्ञो का व्याख्या किया, बालिश बालिश बोला, ये बालिश का द्वारा जो है ये बच्चा कहां भी रहता है, दिखाता नहीं किसी को, सारे ज्ञान अंदर अंदर में भरा हुआ है, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, अनंत ज्ञान का जो भंडार है सारे कृष्ण है, दुनिया में डायरेक्टली इनडायरेक्टली दुनिया में जितना सारे ज्ञान विज्ञान है, अपराकृत जगत में जितना सारे विषय है सारे कृष्णों का अंदर है, कृष्णों का बाहर है क्या, इसलिए शास्त्रों में विचार हुआ है, जिसको जानने का बाद और जानने का कोई शेष नहीं रह जाता है इसका नाम है परतत्व,
जस्मिन ज्ञाते सर्वमिदम विज्ञातम भवति, जिसको जानने का बाद और जानने का कोई शेष नहीं है, बस सब शेष हो गया। क्योंकि सारे नॉलेज जो है, ज्ञान है द ओनली सोर्स, ये सोर्स से सवा, सोर्स को जान लिया तो हो गया, आप कुछ जानने का तो दरकार नहीं है, है? ऐसे तो हमारा एक एक ब्रांच में कितना सारे स्टडी हो रहा है, एक एक ब्रांच, एक एक विषय के ऊपर कितना सारे, वो विचार करोगे तो न्यूटन तो बोला हम तो ज्ञान का सागर में, खागर का, ज्ञान सागर का किनारे खड़ा होकर दो चार पत्थर उठाया और कुछ नहीं, या तो लेकिन ये विज्ञानियों को जो रिसर्च है इसमें क्या फल हुआ बोलो। बाद में न्यूटन का भी थ्योरी है बेकार है, या पहले हम लोग करता था, बोले ये अभी नहीं चलेगा, नया थ्योरी आएगा, बोले ये सब बेकार, पहले तो बोला नहीं बेकार नहीं है, किया मैथमेटिक्स किया सब कुछ किया, आप बोलते हैं ये सब नहीं चलेगा। स्ट्रेट लाइन का जो डेफिनेशन, दो पॉइंट को जोड़ दो, आप बोलते हैं ना स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन ऐसे चलेगा नहीं, अब पेंसिल रे देके बोले, टॉर्च लगा के बोले एक पेंसिल रे, ये हो सकता। पहले हम लोग विचार जिसका लेंथ है ब्रेथ नहीं है, तो साइंटिस्ट वो बाद में विचार हुआ लेंथ इज देयर बट नो ब्रेथ इज देयर, नॉट पॉसिबल, नॉट एट ऑल। जिसका लेंथ है उसको ब्रेथ कम से कम कुछ ना कुछ रहेगा ही, तो आपका ये बातें बेकार है। तो स्ट्रेट लाइन का डिविजन हुआ नहीं था, बाद में क्या हुआ बोले रे देकर बोले ये एक एक पेंसिल रे। तो ऐसा एडवांस विचार आपका ये सब साइंस का विचार ये, लेकिन साइंस का विषय जहां तक जाए इसका एक लिमिट है, कुछ नहीं कर सकेगा। तो जस्मिन ज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति, जस्मिन प्राप्ते सर्वम इदम प्राप्तम भवति, जिसको प्राप्ति करने का बाद तुम अमृतमय हो जाओगे और कुछ चीज प्राप्ति करने का कोई वासना शेष नहीं रह जाएगा हृदय में, उसका नाम है भगवत प्रीति, भगवत प्रेम। इसी को चैतन्य महाप्रभु पंचम पुरुषार्थ बताए है ना, पंचम पुरुषार्थ। इसका लिए महाप्रभु बहुत सारे बात बता, हम चर्चा करेंगे। अभी जो इंद्र है गाली दिए बहुत, और कृष्ण मर्तम उपाश्रितो, मर्तो लीला तो कर ही रहे कृष्णों का, अगर मतलब मर्तो तो मर्तो लीला तो कर ही रहे इच्छा करके, तो ठीक है मर्तो बोल दिया गाली। गोपा ये सब गोप ब्रजवासी गोप गोप सब जो है हमारा अप्रिय किया, हमारा अर्चन बंद कर दिया, इतना दिनों से इंद्रजाग हो रहा है, कितना हिम्मत है हम दिखाएंगे, ऐसा करके जब बोले तो बारिश सब मेघ को बुलाया, आ जाओ बारिश डालो इसमें, पूरा तमाम ब्रजभूमि का एकदम खत्म करो करके इंद्र जी महाराज गुस्से के द्वारा वज्र है ना, वज्र लेके उतारा ऊपर से आया, एकदम वज्र लेके हाथ में वज्र है, बोला हम खत्म कर देंगे। बल्कि जिस जाएगा इंद्र महाराज लैंड किया, हमारा प्लेन लैंड करता है ना, वैसा इंद्र महाराज जहाँ लैंड किया वो जगह का नाम है बहेज, बहेज गांव, हम चौरासी करते रहते हैं जंगल में, वो गांव का नाम पड़ गया बहेज है। बज्रो लेके इंद्रजी महाराज उधर पधारे, उसका नाम लैंड किया पहले, और उसका बाद आदेश किया मारो सब खत्म करो। जब ऐसा बारिश शुरू किया तो नंदो नंदो उपानंद सब बोले लाला तेरे को बताया था पहले ही ये होने वाला है, गुस्सा हो जाएगा, अब क्या करे, तू ही समझे, तू ही अगर बोझ, अब शुरू हो गया था कितना भारी, सब तो मारा जाए सब, सारे बुजवासी किसी और चिंता मत करो, हम है ना, तू क्या करेगा, कहा 5 साल 7 साल का लड़का है, तू क्या करके रहेगो, है तू क्या करेगो, बोला हम करे कोई चिंता मत करो, चलो जितना सारे गौ बछड़ा है संसार का जितना सब लेके चलो, कहाँ चले, पर हम गुरुराज को उठाएंगे, छत्ती बना देंगे, बारिश हो रहा है ना, छत्ती बना दिया। तो ये जो ब्रजवा ये जो तुम्हारा सखा है, दो चार सखा मधुमंगल तो बहुत मजा करते रहते हैं, मधुमंगल सीधा वो सब मजे में आके बोले गिरिराज को उठाए, कितना बड़ा गिरिराज, बोले महा हम उठाएंगे चल, बोल के एठा पेठा गांव को गए, एठा पेठा पे जाके ब्रजवा वो जो सखा है बोले तो ये जो इतना बड़ा पेड़ है इसको पकड़ के घुमा सकता, तब सोचे कि गिरिराज उठाए, छोटा सा काम करके दिखा। तो लाला ने बोले लाला बोला ये तो छोटा मोटा काम है, ठीक है घुमा देते, बोले वृक्षों को ऐसा आलिंगन किए ऐसे मोचड़ दिए, अभी वो वृक्षों जो है ऐसा मोच खा के रहा, अभी भी है
उसका कटा हुआ अंश, उसका नाम है एठा, और पेठा नाम है जहां रासलीला करते करते, एठा पेठा एक ही है बाजू में अगल बगल में, चंदो सरोप छोड़ के 2 किलोमीटर और जाना पड़ता, वहां जो ये जो पेठा उसका अंदर में नारायण स्वरूप इच्छा करके चतुर्भुज करके बैठे थे। रासलीला से अंतोधन हुए, उसका प्रसंग हम बाद में बताएंगे। और 4 हाथ पकड़ के बैठा था, 2 हाथ राधा रानी को देख के अंदर कर लिया, उसका नाम पेठा पैठा हो गया, एठा पेठा। तो बोले लाला का तो बहुत शक्ति है, तो लाला हमारा जो दोस्त है गोपाल गिरिरा, ये जो हमारा कृष्ण, कृष्ण बोले ठीक है तुम लोग ठहरा हो जाओ। धीरे धीरे नीचे में गया, नीचे में जाके गिरिराज को ऐसा करके उठाया, जैसे बच्चा लोग खेलता है ना, ऐसा करके उठाया, उठ के ऐसा रखा। सब ब्रजवासी के बोले सब अंदर आ जाओ, सब अंदर आ जाओ। इतना लंबा चौड़ा गिरिराज, सारे ब्रजवासी जितना गौ बछड़ा लेके सारे उधर आ गया। अब इधर जो आ गया, इधर आने का बाद वो बारिश तो होते रहे, बारिश का बंद नहीं है, ये बारिश का पानी कहाँ गया? लोग पूछता है महाराज इतना बारिश हुआ, ये बारिश का पानी कहाँ गया? भले अगस्त तो मुनि पी लिया था, बहुत सारे प्रसंग है इसके बारे में, ऐसा करके पी लिया था वो, बड़ा पानी का प्यास लगा था, पूरा पी गया है सब, ठाकुर जी का इच्छा है। ये जो पानी है वर्षा बरसते रहे, और 7 दिन 7 रात जो ब्रजवासी है ब्रजगोपी है जितना सारे पिता माता गौ बाछर सारे एक जगह कृष्ण बीच में है, और सारे ब्रजवासी देख रहे हैं। सारे ब्रजवासियों के हृदय में हम चर्चा करेंगे, 10वां स्कंद तो अभी तो समय हो गया, वो तो आरती करे। ब्रजवासियों के हृदय में ये इच्छा हुआ कि ऐसा दिन ठाकुर जी हमको दे दे जिसमें कृष्णों को दर्शन करने के लिए कोई छेद ना आ जाए, समझा मेरे बात, कंटिन्यूअस दर्शन हो सके। ठाकुर जी ऐसा व्यवस्था कर दे कि कृष्णों को कृष्ण गौचरण में चला जाता दर्शन नहीं होता, कभी हम घर चले जाते दर्शन, ऐसा व्यवस्था कर दे कि कंटिन्यूअस रात दिन कृष्ण का दर्शन हो जाए। ब्रजवासी का ये जो पूर्ति है इच्छा, इच्छा पूर्ति के लिए इंद्रों का जो बदमाशी है, ये तो बदमाशी है ही है, लेकिन ब्रजवासी के लिए एक आनंद का प्रसंग बन गया। इससे इंद्रों का जो क्षमा प्रसंग है, आए इंद्रों का जो क्षमा का प्रसंग है, देखोगे इंद्रों का ऊपर कृष्ण जल्दी संतुष्ट हो गया कि ब्रह्मा का ऊपर जल्दी संतुष्ट नहीं हुआ। किस कारण? कहने इंद्रों बदमाशी तो किया है, लेकिन ये बदमाशी का द्वारा ब्रजवासी का इच्छा का पूर्ति भाई, इससे कृष्ण को जल्दी क्षमा कर दिया जा, इसका स्तुति कम है। इस प्रसंग हम विचार करेंगे, आप छोटी सी समय में किया, आप लोगों का भूख लगा होगा, फिर उसका बाद आरती होगा, हम कहाँ जाए, हम बोलते रहे तो चलते रहेगा विचार। हंतायम दृढ़बल हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरणो परशो प्रमोदो मानम तनोति स्तनयो पानियो कंदो कंदो मूलई वांछा कल्पतरुभ्य के बासिंद पतितान पावन्यो वैष्णव्यो नमो न।